फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और आज हम टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं दोस्तों, टाइम एंड वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क, और मज़ा आ जाएगा आप पढ़ेंगे तो। अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज के बाद आप कहीं कभी नहीं कहेंगे कि टाइम एंड वर्क समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे एज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको मैं क्लियर करा दिया था, बस एक ही फंडा में लेके एज वाला क्लास देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा कि एज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे ही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही मजा आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो कहाँ तक देखते रहिए तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो 20 में स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो कहाँ तक देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क एक्चुअली में होता क्या है? टाइम एंड वर्क ये होता क्या है? तो टाइम समय, वर्क मतलब कार्य। तो चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है कि कितने समय में किए गए कार्य ही प्रदर्शित करता है टाइम एंड वर्क को। इसका डिफिनेशन मतलब निश्चित समय, कोई ऐसा समय दिया गया हो कि जिसमें इतना कार्य किया जा रहा हो। इसका मतलब इस चैप्टर में बस आपको ले हो के चलना ही है किस पे, टाइम और वर्क को। क्षमता भी इसमें आ जाता है, कन्फर्म हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं कि इसमें क्या लेके चलना है। देखिएगा एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल क्या है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि राम, एक लड़का राम और एक है सीता, ध्यान में रखिएगा। राम एक दिन में दो मेज को क्या करता है, बनाता है। एक दिन में दो टेबल बनाता है राम, तो डे सात दिन में राम कितने टेबल बनाएगा? सात दिन में राम कितने टेबल बनाएगा? सात दून चौदह, चौदह टेबल बनाएगा ना। ध्यान देखिएगा कैसे समझा रहे हैं, समझिएगा। सीता एक दिन में एक ही टेबल बनाती है, तो सीता सात दिन में कितनी टेबल बनाएगी? सात टेबल बनाएगी। यहां तक तो बात क्लियर ना? राम एक दिन में दो टेबल बनाता है, तो राम सात दिन में चौदह टेबल बनाएगा। सीता एक दिन में एक ही टेबल बनाती है, तो सीता सात दिन में सात टेबल बनाएगी। यहां से एक बात निकल के आता है कि राम कम समय में ज्यादा कार्य करता है। कम समय में ज्यादा कार्य मतलब एक दिन में दो चेयर बनाता है, तो कम समय में ज्यादा कार्य करता है। कम समय में ज्यादा कार्य कर रहा है। और यहाँ पे देखिएगा, सीता एक दिन में एक ही चेयर बनाती है, ज्यादा समय में कम कार्य कर रही है। सात दिन में सात ही बना पा रही है, मतलब ज्यादा समय ले रही है, कम कार्य कर रही है। यहाँ पे आप समझ लेंगे कि समय तो सात दिन लिया है, लेकिन चौदह कुर्सी चेयर बना दिया, इसका मतलब ज्यादा कार्य कर रहा है समय से। और सीता सात दिन का समय लिए सात ही बना रही, मतलब समय ज्यादा है इसके लिए और काम में कम कर रही है। समझ में आया है कुछ? देखिएगा, अगर इस हिसाब से 24 घंटे का, मान लीजिए एक दिन 24 घंटे काम करता है, तो दो टेबल बनाता है, तो 12 घंटे में एक टेबल बना के रख देता है राम। 12 घंटे मान लीजिए कि एक टेबल राम बनाता है, लेकिन सीता 24 घंटे में एक टेबल बनाती है, तो ज्यादा कौन समय लिया? अरे जब इस तरह नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह समझिए ना। एक दिन में 24 घंटा होता है, मान लीजिए 24 घंटा राम काम करता है और दो टेबल बनाता है, तो एक टेबल का 12 घंटा हुआ, कम समय लगा ना राम को, ज्यादा काम कर दिया। लेकिन सीता इसी 24 घंटे में एक ही टेबल बनाती है, तो सीता को ज्यादा समय लगा कम काम की। यहां से एक फंडा निकल के आया कि टाइम और वर्क एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम एंड वर्क एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे? समय कम लगेगा काम ज्यादा होगा, समय ज्यादा लगेगा काम कम। यहां पर टाइम और वर्क एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? एक कंफर्म हो गया ना कि टाइम और वर्क एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टा होते हैं। टाइम एक वर्क क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो एक बात तो क्लियर आपको ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, मान लीजिए ए रेशियो वी है, चलिए ठीक है यहाँ पे, हाँ ए रेशियो बी, और ये इनकी क्षमता हो गई, ठीक है एलिजिबिलिटी हो गई क्षमता, और ये मान लीजिए दो है और इसकी मान लीजिए एक है, ठीक है। तो
तो टाइम क्या होगा ये भी तो देखना है कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है। टाइम और वर्क के बीच आपको रिलेशन पता चल गया कि टाइम वर्क के क्या होता है, व्युत्परम व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है, विपरीत होते हैं दोनों एक दूसरे के। इतना रखिएगा, टाइम और वर्क दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कन्फर्म देखिएगा, ए की कार्य करने की क्षमता अधिक है, बी के कार्य करने की क्षमता कम है। ए के कार्य करने की क्षमता अधिक है, बी की कार्य करने की क्षमता कम है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जब ए के कार्य करने की क्षमता अधिक है तो ए कम समय में कार्य करेगा ना, वही काम जो बी करेगा। ए के कार्य करने की क्षमता अधिक है बी से, तो बी का कार्य करने की क्षमता कम है। तो यहाँ पे ए मान लीजिए 1 घंटे में एक का दो काम करता है, तो यहाँ पे बी 2 घंटे में काम करेगा। तो यहाँ पे भी ए की कार्य क्षमता अधिक होने के कारण कम समय लग रहा है और बी की कार्य क्षमता अधिक कम होने के कारण अधिक समय लग रहा है। तो कार्य क्षमता भी क्या हो गया, एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो क्षमता, कार्य क्षमता और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अभी तक आप क्या सीखे हैं, अभी तक आप सीखे हैं कि समय और कार्य एक दूसरे के उल्टा होते हैं। और यहाँ भी सीख गए क्षमता और कार्य कैसे, मैं बता दिया हूँ कैसे हुआ है। मान लीजिए ए का कार्य करने की क्षमता 2 है, कम समय लेगा ना। क्षमता जब आपकी अधिक होगी तो आप कम समय में कोई कार्य कर देंगे ना। मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं, 3 घंटे में आपको लिखना है, आप खूब फास्ट लिख रहे हैं, आपके पेपर लिखने की क्षमता बहुत अधिक है। आपका एक दोस्त है, उससे आपकी लिखने की क्षमता अधिक है, तो आप 2.5 घंटा में करके उस पेपर को चले आएंगे पूरा। आपका दोस्त क्या करेगा, वो 3 घंटा पूरा ले लेगा, क्योंकि उसे लिखने की क्षमता कम है। तो जब क्षमता कम है तो टाइम अधिक लगेगा, और क्षमता अधिक है तो टाइम कम लगेगा। वैसे ही टाइम और वर्क में भी होता है, कम समय में आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। राम कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है, सीता अधिक समय में कम काम कर रही है, ये भी दूसरे के विपरीत। यहाँ तक कन्फर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको, ये तो कन्फर्म हो गया ना। तो ये 2 था फंडा, इसी पे टाइम एंड वर्क खत्म। देखिएगा इंपॉर्टेंट एकदम है, और इसी पे होगा क्वेश्चन धड़ाधड़, आप करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देखिएगा, बहुत ईजी आप सॉल्व कर लेंगे। अभी समझाया हूँ, समझ गया हूँ इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यदि मोहन तथा सुनील अकेला किसी काम को क्रमशः 16 दिन तथा 24 दिन 24 डे में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन आपको दिया है, ध्यान देखिएगा, काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कार्य निकाल लीजिए, टाइम दे दिया तो वर्क निकालना है। वर्क भी इसमें दिया है कि काम को क्रमशः इतने इतने दिन में करते हैं, काम नहीं दिया तो वर्क निकालना है। मोहन का काम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मोहन का काम क्या हो जाएगा, अभी मैं आपको क्या बताया हूँ, मोहन के दिन का काम क्या हो जाएगा, तभी बताया हूँ कि काम क्या होता है, टाइम का एकदम विपरीत होता है। तो काम टाइम का विपरीत, मतलब 16 दिन मोहन 16 दिन कर रहा है ना, तो काम क्या हो जाएगा इसका, 1/16। क्यों, क्योंकि काम टाइम के विपरीत होता है और टाइम काम के विपरीत होता है, तो विपरीत हो जाएगा ना। टाइम 16 है तो विपरीत काम हो जाएगा 1/16। ये मोहन का हो गया, ये हो गया सुनील। सुनील कितने दिन का काम, सुनील का काम क्या हो जाएगा, तो सुनील 24 दिनों में समाप्त करता है, 24 दिन दे दिया, टाइम दे दिया 24, तो काम क्या हो जाएगा इसके उल्टा हो जाएगा, 1/24। यहाँ तक कंफर्म, क्योंकि काम और टाइम दूसरे के उल्टा होते हैं। अगर का वर्क दिया हो तो टाइम उसके उल्टा हो जाएगा, काम दिया है तो टाइम उसके उल्टा हो जाएगा, अगर समय दिया है तो काम उसके उल्टा हो जाएगा। सेम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सुनील 24 दिन में करता है तो उसका काम हो जाएगा 1/16, 16 दिन में करता है तो सुनील 24 दिन में करता है ना, तो 1/24, और मोहन 16 दिन में करता है तो 1/16। अब देखिए दोनों का काम जोड़ लीजिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका इसका एलसीएम 48 होता है, 48, 16 3 48, 3 ऊपर 24 2 48, 2 5/48। एक क्या निकला है, इन दोनों का काम निकला है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का काम निकला है 5/48, और पूछ रहा है कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो काम का उल्टा होता है टाइम, तो टाइम आपको निकालना है, दिन निकालना है, कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इसका उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिए 48/5। उल्टा होने का मतलब 1/5/48 होगा, 48 ऊपर चला जाएगा तो 48/5 हो जाएगा, उल्टा होगा ना काम, काम के जस्ट उल्टा दिन होता है, ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक क्लियर। तो ये देखिए अभी इसको डिवाइड कीजिए, 5/9 45 3/5, ऑप्शन नंबर 4 सही है आंसर। कंफर्म, देखिए कितना इजी तरीका सॉल्व हो गया,
आप मान के लगाएंगे कि एक दिन का काम इतना है, एक दिन का काम इतना है, टोटल काम इतना है, टाइम उसको क्या करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको काम और समय के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो काम और समय के बीच क्या होता है, उल्टा संबंध होता है, एक विपरीत होते हैं दूसरे के, संबंध का विपरीत, देर के लिए विपरीत संबंध का मतलब। तो सुनील का समय दे दिया है, काम दे दिया, अथी समय दे दिया है कितने दिन में करता है, टाइम दे दिया है, तो सुनील का काम निकाल लीजिए उसका आप एकदम विपरीत, मोहन का भी काम निकाल लीजिए उसके विपरीत हो जाएगा, दोनों को काम को ऐड कर दीजिए आएगा जो उसके विपरीत समय हो जाएगा, एक काम आया है अब काम के विपरीत समय होगा क्योंकि दोनों के विपरीत हो रहा है। तो आई होप क्या आपको क्लियर हुआ होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे भी और क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, अभी देखिएगा एकदम इसी तरीका से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, देखिए कैसे। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, काम को समाप्त करने के दिन पूछ रहा है, समय दे दिया है, वर्क निकाल लीजिए, ए का वर्क, ए का कार्य क्या होगा, बी का कार्य क्या होगा और सी का कार्य क्या होगा आपको निकालना है, और आपको पता है कि टाइम और वर्क एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो एक 10 दिन कर रहा है तो इसका कार्य हो जाएगा 1/10, कोई दिक्कत नहीं आता, बी बी 15 दिन में कर रहा है तो इसका कार्य हो जाएगा 1/15, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सी 12 दिन में कर रहा है तो इसका कार्य हो जाएगा 1/12, कन्फर्म एकदम ईजी, कोई दिक्कत नहीं, टाइम दिया है वर्क को विपरीत कर दीजिए, यहाँ पर अगर वर्क दिया होता तो टाइम को विपरीत, बस उसके विपरीत लिख दीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, उल्टा करके लिखने का मतलब 10/1 लिखे हैं ना, उसको 10/1 लिख सकते हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/10 नहीं हो जाएगा, तो कार्य इसका उल्टा हो जाएगा टाइम के, और टाइम को उल्टा कार्य होता है और कार्य को उल्टा टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं। तीनों का कार्य पूछ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों का कार्य है, तीनों का कार्य क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, 16 इसका आएगा एलसीएम 6 15/60 आ गया। अब 15/60 आया क्या, एक कार्य आ गया, यहां तक कैंसर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 15/60 क्या आया, कार्य आ गया, और आपको ज्ञात करना है, दिन ज्ञात करना है, और आपको पता है कि समय कार्य के उल्टा होता है, तो कार्य 15 है तो समय क्या हो जाएगा, जस्ट इसके उल्टा, 60 ऊपर 15 नीचे, 60 ऊपर 15 नीचे, 15 चौको 60, 4 दिन, कितना इजी तरीका था, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म हो गया। तो आई होप कि आपका क्लास आज का आपको अच्छे समझ में आएगा, बेसिक था एकदम बेसिक, आपको क्लियर करा दिया हूँ एग्जाम्पल लेके, कल से इसकी कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बस यही दो फंडा अपनाना है कि टाइम और वर्क और कार्य और क्षमता, क्षमता और टाइम में कैसे डिफरेंस होता है। तो आपको बताया हूँ कि समय और कार्य में दूसरे के विपरीत होते हैं और क्षमता और समय भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बस इतना दिमाग में माइंड में रखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंट, टाइम एंड वर्क आपका कभी भूलेगा नहीं, गारंटी देता हूँ 100% आपका सॉल्व हो जाएगा, वीडियो अगर अंत तक देखे होंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर चैनल पर नए वीडियो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही मजेदार क्लास पाने के लिए, इंग्लिश मैथ जीके तमाम क्लासेज। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट नहीं करना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिस ग्रुप में आप जुटे हो, जहाँ हो स्टडी ग्रुप में, आप शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर करके अपने फैमिली में सपोर्ट कीजिए, मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूँ, समझाता भी बहुत अच्छे तरीका से हूँ, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।